हेलो दोस्तों, डोलीज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मसालेदार अक्का प्याज की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट व मजेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, मैंने ये 8 से 10 प्याज लिए हैं। ये छोटे साइज का प्याज है और इसको मैंने छीलकर धो लिया है। और इसमें 4 हरी मिर्ची ली है। अब हम इसमें कट लगाएंगे और कट हमें ये नीचे तक नहीं लगाना है और ऐसे ही कट हम हरी मिर्च में लगा लेंगे। ये सारे प्याज में कट लग चुका है। अब हमने ये कटोरी में आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, हल्दी और ये हमने आधा चम्मच नमक ले लिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये ड्राई मसाला हम अब प्याज में फिल कर लेंगे। ये काम हमें बहुत ही आराम से करना है क्योंकि प्याज को हमें तोड़ना नहीं है। धीरे धीरे करके हमें प्याज में अच्छे से इसको फिल कर लेना है। हरी मिर्च में भी हम ये मसाला फिल कर लेंगे। ये देखिए, सारे प्याज में हमने मसाला फिल कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर और उसे गर्म कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने पर हम उसमें अपने सारे प्याज एक एक करके रख लेंगे। सारे प्याज अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और उसी में हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। और अब हम इसको 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, हम अपने प्याज चेक कर लेंगे। देखिए, प्याज को अब हमें बहुत ही आराम से टर्न करना है। धीरे धीरे आप इसको कर दीजिए टर्न। और अब हम दूसरी साइड से भी 2 मिनट ढककर इसको पका लेंगे। जब तक हमारी प्याज पक रही है तब तक हम 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च, इनका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम प्याज चेक करते हैं। ये देखिए, प्याज हमारे कितने अच्छे से पक चुके हैं। इन पे अलग ही गोल्डन कलर दिख रहा है। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही धीरे धीरे से हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 2 रेड चिली, जो कि सूखी रेड चिली है, 2 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, आधे से भी कम चम्मच ये मेथी दाना है और थोड़ा सा हींग डाल लेंगे। इनको चटकने तक पकाएंगे। और अब हम इसमें टमाटर वाला जो पेस्ट हमने पहले से तैयार किया था इसको डाल देंगे। और इसको हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला देखिए हमारा पक चुका है। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें थोड़े से हरे मटर ले लेंगे और वो डाल देंगे। और आधा कप पानी डालकर अब हम इसको 2 मिनट तक पका लेंगे। देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मसाला है वो एकदम से बनकर तैयार है। कितना अच्छा ये दिख रहा है। इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसमें अब हम थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। इसमें हम अपने प्याज भी ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से कोट करेंगे मसाले में और हम 2 मिनट ढककर इसको पका लेंगे।
क्योंकि 2 मिनट हो चुके हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं कि कितना अच्छा प्याज हमारा रेडी हो गया है। मसाला इसके ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है, आ रहा है ना मुँह में पानी। ये देखिए हमारा अच्छा प्याज एकदम रेडी है। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही मजेदार है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर जरूर करें, और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।